हेलो फ्रेंड, मेरा नाम राजेश है। सो आज हमारा वीडियो का टॉपिक है हाउ टू कनेक्ट ओरेकल डेटाबेस थ्रू एसक्यूएल डेवलपर टूल। सो फर्स्ट मैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। सो फर्स्ट हमारा स्टेप रहेगा एसक्यूएल डेवलपर टूल डाउनलोड कैसे करते हैं, एंड सेकेंड हमारा स्टेप रहेगा एसक्यूएल डेवलपर टूल को रन कैसे करते हैं, एंड हमारा थर्ड स्टेप रहेगा ओरेकल डेटाबेस को हम एसक्यूएल डेवलपर टूल के थ्रू एक्सेस कैसे करते हैं, कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे। सो फर्स्ट मैं डाउनलोड एसक्यूएल डेवलपर टूल डाउनलोड करूंगा। सो फर्स्ट आपको ब्राउजर ओपन करना है। आप जो भी ब्राउजर आप यूज करते हो ब्राउजर आप ओपन करोगे, एंड यहाँ पे आपको टाइप करना है एसक्यूएल डेवलपर टूल डाउनलोड, ओके, एंड देन करोगे आप एंटर। सो आपको यहाँ पे दिख रहा है ओरेकल का जो ऑफिशियल साइट है उस पर आप क्लिक करोगे एंड स्क्रॉल डाउन करोगे। सो आप अपने अकॉर्डिंग ओएस के अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। सो फर्स्ट हमारा विंडोज़ है 64 बिट है। सो इस वाले को हम सेटअप को डाउनलोड पे हम क्लिक करेंगे एंड टर्म एक्सेप्ट करेंगे एंड डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, एंड ये हमें रिडायरेक्ट करेगा। आपको ओरेकल का जो है आईडी होना चाहिए, यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो ओरेकल पे अपना अकाउंट, ओके। सो मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है, मैं यहाँ पे अपनी आईडी हाइड रखूँगा बिकॉज प्राइवेसी रीजन। सो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ अपनी आईडी से, एंड जैसे मैं लॉगिन करूँगा सो आपको जो है यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, ओके। सो डाउनलोड ऑलरेडी हमने कर रखा है, सो मैं इसको अभी स्किप कर देता हूँ एंड हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। सो मैं इस ब्राउजर को करूँगा क्लोज, मैं आऊँगा डाउनलोड वाले फोल्डर में। सो मैं डाउनलोड वाले फोल्डर में आ गया हूँ, एंड यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा। आप यहाँ पे आप देखोगे जो हमारा ओरेकल डेवलपर टूल का जो हमने डाउनलोड कर रखा है ये हमारा सेम सेटअप यहाँ पे हमने डाउनलोड करके अनजिप करके रखा हुआ है, ओके। सो यहाँ पे हम इसको शॉर्टकट ये हमारा जो है एप्लीकेशन exe फाइल हो। सो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बना लेता हूँ एंड इसको स्क्रीन को कर दूंगा क्लोज, एंड इसको मैं करूँगा रन। वेट कर लेते हैं। तो ये हमारा सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया है, एसक्यूएल डेवलपर टूल हमारा रन हो गया है, ओके। एंड हमारा थर्ड स्टेप है कॉन्फ़िगर कैसे करना है ओरेकल डेटाबेस को एक्सेस कैसे करना है। सो मैं यहाँ पे आऊँगा, आप यहाँ पे देख रहे हो प्लस वाले आइकन पे आप जो है क्लिक करोगे सो आपके पास स्क्रीन खुलेगा इस तरह का। सो यहाँ पे नेम आप कुछ भी डाल सकते हो, यहाँ पे टेस्ट डेटा आप अपने अकॉर्डिंग जो भी डालना है। सो मैं यहाँ पे डेमो अंडरस्कोर डेव डाल देता हूँ, एंड यहाँ पे आपका यूजर होगा। सो मेरा जो यहाँ पे यूजर है वो सिस्टम यूजर मैं एक्सेस करूँगा यहाँ पे, एंड जो पासवर्ड आपका जो भी होगा आप डेटाबेस का वो पासवर्ड आप यहाँ पे डालोगे। यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ, आपको अगर सेव कराना है ताकि नेक्स्ट टाइम आपको पासवर्ड ना पूछे तो आप यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दोगे, एंड आपका यहाँ पे आईपी होगा जो आपके डेटाबेस सर्वर का है। मेरे डेटाबेस सर्वर का आईपी ये है, ओके। सो नेक्स्ट आपको यहाँ पे सर्विस नेम पे क्लिक करना है, आपको डेटाबेस का सर्विस नेम जो है आपको यहाँ पे डालना है। सो मेरा डेटाबेस जो है उसका सर्विस नेम है ORCL। आपका डेटाबेस का जो भी सर्विस है आपको अगर सर्विस चेक करना है सो आप TNS फाइल होता है वो डेटाबेस सर्वर पे आपको मिलेगा TNS फाइल, उसके अंदर आपको सर्विस नेम भी मिल जाएगा, आपको आईपी भी मिल जाएगा, एंड पोर्ट वगैरह आपको वहां से मिल जाएगा। सो आप यहां पे ये चीज़ें आप फिल कर दोगे एंड देन आप यहां पे कर लोगे टेस्ट कनेक्शन। सो आप देख रहे हो यहां पे सक्सेसफुल दिखा दिया है, एंड अगेन आप कर दोगे कनेक्ट। सो आपको यहां पे डेटाबेस आपका एक्सेस हो जाएगा। इसको एक्सपेंड करोगे आप तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, आप यहाँ पे जो है टेबल वगैरह
आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय।